दीप शिखा सागर जी हमारे बीच में यहाँ पर आई हैं। हम पूरे जबलपुर वासियों की ओर से तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका आप स्वागत करें। वो मुक्तक भी सुनाएंगी और एक आध गज़ल भी सुनाएंगी। बहुत गुजारिश है कि आप आएँ और हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। जबलपुर जब भी आवाज़ देता है मैं हाजिर हो जाती हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम इरफान सर बैठे हुए हैं, प्रणाम करती हूँ सर आपको और चार पंक्तियाँ भाई आपकी मेहनत को, आपकी काविशों को सलाम। कि गज़ल गीतों को स्वर देकर हृदय के द्वार तक लाना, गज़ल गीतों को स्वर देकर हृदय के द्वार ले जाना, और गज़ल गीतों को सर देकर हृदय के द्वार ले जाना, नयन की कोर तक हर स्वप्न को साकार ले जाना, कला मर्मज्ञ ही समझेंगे कविता के लिए पतवार, कला मर्मज्ञ ही समझेंगे कविता के लिए पतवार, कहाँ आसान था इस नाव को उस पार ले जाना, हाय हाय कि कहाँ आसान था इस नाव को उस पार ले जाना। यही बैठे बैठे कहे हैं चारों, इसीलिए और बहुत बच्चे बैठे हैं उनके लिए कुछ हुआ नहीं। हाँ सुनाइए सुनाइए, बिल्कुल खुश वही कार्यक्रम को तो जिंदा रखे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, उनके लिए अभी अभी वैलेंटाइन डे गया है। कि आया जो प्रपोज डे तो हमने गुलाब संग उनको प्रपोज किया फेसबुक वॉल पर, कि आया जो प्रपोज डे तो हमने गुलाब संग उनको प्रपोज किया फेसबुक वॉल पर, प्यारे प्यारे जादुवारे प्रेम के वो ढाई शब्द लिख कर भेज दिए इमोजी की डॉल पर, और रिप्लाई में दिल के बलून उड़ते दिखे तो, और रिप्लाई में दिल के बलून उड़ते दिखे तो, झट से बताया प्लान हमने जी कॉल पर, कि वैलेंटाइन सेल चल रही है सोना बाबू, हाँ वैलेंटाइन सेल चल रही है सोना बाबू, हीरे की अंगूठी और पश्मीना शॉल पर, हीरे की अंगूठी और आप तो ताली बजाओ शॉल पर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत देर से आप लोग खामोश बैठे थे, मुझसे देखा नहीं गया, चार मिसरे आप ही के लिए। बहुत अच्छा। कि जिस दम किसी के इश्क ने तेवर बदल दिए, जिस दम किसी के इश्क ने तेवर बदल दिए, आँखों ने खुद ही खाब के मंजर बदल दिए, कि उसने भी अपने आप को महदूद मतलब सीमित है ना, कि उसने भी अपने आप को महदूद कर लिया, हमने भी अपने फ़ोन के नंबर बदल दिए, क्या बात है, भी अपने क्या बात है? फ़ोन के नंबर बदल दिए। चार मिसरे फिर आपके लिए। कि जिंदगी से दोस्ती करनी पड़ी, जिंदगी से दोस्ती करनी पड़ी, आंसुओं की रहबरी करनी पड़ी, और दर्द की लज्जत समझने के लिए, कि दर्द की लज्जत समझने के लिए इश्क पर पीएचडी करनी पड़ी। क्या बात है, इश्क पर पीएचडी करनी पड़ी। मुझे लगता है मेरी गजल पढ़ने का यहाँ मौका नहीं है। गजल भी आपके लिए, आप सबको नजर करती हूँ। कि मोहब्बत है अजब खेल बाबू, मोहब्बत है अजब खेल बाबू, यहाँ तो पास भी है फेल बाबू, कि यहाँ तो पास भी है फेल बाबू। और शेर बतौर खास सुने। कि वफाओं की चलब गहराई नापे, वफाओं की चलब गहराई नापे, उठा तो लाजरा स्केल बाबू, उठा तो लाजरा स्केल बाबू। और ये शेर आप सबके लिए, हर उस सच्चे व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर बैठा हुआ है। कि जहाँ देखो वहीं सच बोलते हो, जहाँ देखो वहीं सच बोलते हो, किसी दिन जाओगे तुम जेल बाबू। और इस पीढ़ी का ये जो मन है वो ऐसा है कि नहीं जमता तो फौरन छोड़ देना, कहा किसने कि मुझको जेल बाबू,
कहा किसने कि मुझको झेल बाबू। अरे एक अच्छा शेर, मसरत मतलब खुशी, कि मसरत ने अगर आंखें दिखाई, मसरत ने कि मसरत ने अगर आंखें दिखाई उसे कह दूंगी गो टू हेल बाबू, कि उसे कह दूंगी गो टू हेल बाबू। एक अच्छा शेर ये भी, कि जहां खुशियां मिले दौलत के बल पर, जहां खुशियां मिले दौलत के बल पर कहीं लगती नहीं वो सेल बाबू, कहीं लगती नहीं वो सेल बाबू। और शहर और गांव का फर्क देखें कि शहर आते ही चंदू हो गए हैं, शहर आते ही चंदू हो गए हैं हमारे गांव के चंदेल बाबू, हमारे गांव के चंदेल बाबू। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और मेरी चल जाए तो गम का खुशी से, सच में चाहती हूँ कि मेरी चल जाए तो गम का खुशी से करा दो उम्र भर का मेल बाबू, करा दो उम्र भर का मेल बाबू। और एक मजाहिया शेर भी हो गया है इस गज़ल में, कि तेरे चक्कर में दादर आ गई थी, तेरे चक्कर में दादर आ गई थी मुझे जाना था कल पनवेल बाबू। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि शिखा मंजिल से पहले जिंदगी की कहीं रुकती नहीं है रेल बाबू, कहीं रुकती नहीं है रेल। बहुत शुक्रिया। और दो शेर सुना देती हूँ कि मैं मेयारी गजलें भी कहती हूँ, कि फूल खुशबू या हवा है फिक्र की दहलीज पर, कि फूल खुशबू या हवा है फिक्र की दहलीज पर कौन दस्तक दे रहा है फिक्र की दहलीज पर, कि कौन दस्तक दे रहा है फिक्र की दहलीज पर। और उम्मीद के धुंधले सितारे मत हो मेहर, मिस कर रही हूँ इसको, कि रूह तक की खो रही है रोशनी तहलील सी, कि रूह तक की खो रही है रोशनी तहलील सी, क्या किसी का दिल जला है फिक्र की दहलीज पर, क्या किसी का दिल जला है फिक्र की दहलीज पर। बहुत शुक्रिया। बहुत तालियों से इस्तकबाल करें सिखा, डॉक्टर सिखा साहिबा जो कि सागर से हमारे बीच में आई हैं।